नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूर्यकांत शर्मा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं किस्से और कहानियां जुर्म की डायरी से। वही कहानी जिसकी चर्चा इन दिनों काफी ज्यादा हो रही है और इस कहानी को एक डिटेल फॉर्म में एक बार फिर से लेकर आए हैं। काफी सारे अपडेट्स हैं उसको भी लेकर आए। सीबीआई के हाथों में कोलकाता मर्डर केस आ चुका है। सीबीआई जांच कर रही है। 14 तारीख को उनके अंडर ये सब कुछ आ चुका था, जांच के जितने दस्तावेज थे सब कुछ। और अब एक नया जो अपडेट आया है इस केस में कि जो पीड़िता है, जो डॉक्टर थी, वो हमेशा एक डायरी लिखा करती थी। अब लिहाजा डायरी बहुत सारे लोग लिखते हैं अपनी हर दिन की जिंदगी में घटे सारे घटनाओं को और क्या भविष्य में इच्छा होती है उसके बारे में अक्सर जो लोग होते हैं वो डायरी लिखते हैं। तो पीड़िता भी उसी तरह हर दिन की डायरी लिखती थी और उस दिन भी जो घटना 9 अगस्त की रात को घटती है, तो 8 अगस्त को जब वो ड्यूटी करने नाइट शिफ्ट में जाती हैं उससे पहले एक डायरी लिखती हैं। तो डायरी में वो क्या लिखती हैं उसके बारे में मैं कहानी के लास्ट में बताऊंगा। पहले कुछ ऐसी घटनाएं घट गई। आपको पता है कि काफ़ी सारे जो डॉक्टर हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट पूरे देश में चल रहा था और कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भी जो डॉक्टर्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन अचानक आज़ादी की रात चढ़ने को होती है और एक घटना हो जाती है वहाँ पे। काफ़ी एक भीड़ आती है और कुछ तबाही मचाती है। उसके बाद खलबली सी मच जाती है। आपको बताएं कि पुलिस ने डबल लेयर का एक बैरिकेड लगा रखा होता है। पहला बैरिकेड होता है, उसके बाद पुलिस होती है और फिर उसके पीछे भी एक बैरिकेड होता है, यानी डबल लेयर का बैरिकेड लगाया जाता है। दरअसल बुधवार की रात 11:55 का समय रहा होगा जब देश के कई जगहों पर रिक्लेम द नाइट नाम का एक मार्च जो है प्रोटेस्ट मार्च निकाला जाना था। अब इसका मतलब था कि रात पर अपना अधिकार हासिल करना। इस रिक्लेम द प्रोटेस्ट जो मार्च है नाइट का, इसमें इसका अर्थ होता है कि इस रात पर अपना अधिकार हासिल करना। इस प्रदर्शन को आज़ादी की आधी रात में महिलाओं की आज़ादी के खातिर प्रदर्शन का नाम दिया गया था और ये निकलना था, लेकिन उससे निकलने की तैयारी हो रही होती है और उसी समय एक भीड़ आती है जो कि वी वांट जस्टिस का नारा लगाती है। और भीड़ का जो कुछ हिस्सा है वो रुक जाता है, जी हाँ, उस कॉलेज के पास रुक जाता है और बाकी का हिस्सा गुजर जाता है। अब उसी में से जो लगभग संख्या की जो बात आई है कि 40 लोग, पुलिस के भी जो बयान है उसमें कहा जा रहा है कि 40 लोग रहे होंगे जिन्होंने ये उत्पात मचाया। वो जो लोग होते हैं वो रुक जाते हैं। उसके बाद पुलिस का डबल लेयर बैरिकेड्स होता है। पहले वो वी वांट जस्टिस करते रहते हैं। उसके बाद पीछे जो डॉक्टर्स होते हैं जो कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं वो उनको कहते हैं कि आप हमारी प्रोटेस्ट का हिस्सा मत बनिए। उनसे हाथ जोड़ते हैं, वो कहते हैं कि इस तरीके से मत कीजिए, लेकिन उनकी बातें नहीं मानते। वो जो भीड़ होती है, उस भीड़ के जो 20-25 या 40 लोग जो होते हैं वो फिर बैरिकेड्स पर अचानक जुड़ जाते हैं, बैरिकेड्स को धक्का देने लगते हैं। अचानक से पुलिस वहां मौजूद होती है, क्योंकि मैंने कहा कि बैरिकेड्स के पीछे पुलिस होती है, उसके पीछे बैरिकेड्स होता है, लेकिन पुलिस की संख्या उतनी नहीं होती है जितना कि वो भीड़ को संभाल सके। अब बैरिकेड्स को अचानक से जो प्रदर्शनकारी होते हैं वो अपनी तरफ खींचते हैं, तो पुलिस उसको अचानक से रोके रहती है। वो अपनी तरफ खींचते हैं, वो बैरिकेड्स नीचे गिर जाता है, फिर पुलिस की संख्या लिहाजा कम रहती है तो वो पुलिस पर भी हावी होने लगते हैं। तमाम लोग, अब पुलिस और जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी ये सोचने लगते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो अब सिचुएशन से बाहर निकल रही है,
जान माल को खतरा भी होने लगता है, क्योंकि वो जो भीड़ होती है वो काफ़ी एग्रेसिव होती है, जो उनके हाथ में डंडे जो भी कुछ होते हैं उससे वो उत्पात मचाती है, और दूसरा जो बैरिकेड्स होता है वो उसको भी तोड़कर फिर अस्पताल के अंदर घुसती है। अस्पताल के अंदर घुसती है और इमरजेंसी वार्ड, वहाँ अस्पताल के अंदर घुसते ही रिसेप्शन होता है आप जानते हैं, और जनरल वार्ड्स होते हैं, कई तरह के सेक्शंस बने होते हैं, लेकिन ये लोग वहाँ पे उत्पात मचाते हुए इमरजेंसी वार्ड में घुसते हैं। इमरजेंसी जो वार्ड्स होता है उसमें काफ़ी तबाही मचाते हैं, मतलब आप सोचिए कि जो भी मशीन्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं उसको नुकसान पहुँचाते हैं, इसके अलावा जो मेडिसिन होते हैं उसको नुकसान पहुँचाते हैं, पंखे बिजली बल्ब खिड़की जो इनके हाथ आता है सब पर ये मतलब टूट पड़ते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। वेंटिलेटर की मशीन होती है इमरजेंसी वार्ड, आप जानते हैं कितना क्रिटिकल कितना इम्पॉर्टेंट वार्ड होता है, जब आदमी की उम्मीदें छूटने लगती है इमरजेंसी सिचुएशन होता है तो उस वार्ड में पहुंचाया जाता है, लेकिन स्थिति ऐसी बन जाती है कि इमरजेंसी वार्ड का तहस नहस कर देते हैं सारा, जितना भी चीज़ बेड से लेकर पंखे से लेकर हर चीज़ पर उत्पात मचाते हैं। ये लगभग 20 मिनट ऐसा कहा जाता है कि ये पूरा सिचुएशन जो है चलता है। डबल लेयर बैरिकेड्स काम नहीं आ पाती है, तोड़फोड़ काफी मचता है। 40 प्रोटेस्टर्स होते हैं पुलिस के मुताबिक, पुलिस के अनुसार 40 प्रोटेस्टर्स के रूप में अस्पताल के अंदर नुकसान को पहुंचाते हैं, पुलिस पर पथराव की बात आती है। इसके अलावा मीडिया कर्मी जो होते हैं वहाँ पे उसके कवरेज कर रहे होते हैं, उनको ये कहा जाता है कि आप इन चीज़ों की कवरेज ना करें नहीं तो आपके कैमरे वगैरह भी तोड़े जाएंगे। उसके बाद मीडिया अपने कैमरेज और जो भी जो फुटेज उनके पहले के होते हैं उसको बचाने के लिए मीडिया भी बैक होती है, क्योंकि जान जब बन आती है तो फिर जान सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो चीज़ें निकल कर आती हैं, ये 20 मिनट तक पूरा तांडव वहाँ चलता है और अफरा तफरी का माहौल होता है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि हमारा कोई इससे ताल्लुकात नहीं है, हम उनको रोक रहे थे, हम अपने प्रोटेस्ट को ऐसे भी पॉलिटिकल रूप से भी बचाना चाहते थे, कई बार हमने कहा है कि कोई भी अगर प्रोटेस्ट करना चाहता है तो हमारी प्रोटेस्ट का हिस्सा ना हो, हम अपना शांति से काम करना चाहते, क्योंकि जब भी कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट का सपोर्ट मिलता है तो फिर जो मांग होती है जो एक्चुअल डिमांड होती है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। पुलिस अंत में फिर और पुलिस बल आते हैं, उसके बाद भीड़ पर लाठी चार्ज होता है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। बाद में फिर जैसे तैसे सिचुएशन बदलती है और भीड़ को तितर बितर किया जाता है। पुलिस इन आरोपों को लेकर क्राइम ऑफ काफ़ी चर्चा हो रही थी कि छेड़छाड़ किया जा रहा है, जो क्राइम ऑफ सीन है उसमें सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के भी आरोप लग रहे थे पुलिस के ऊपर भी और जो लोग आए थे उनके ऊपर भी, लेकिन पुलिस ने इसमें कहा है कि क्राइम ऑफ सीन जो है वो सेमिनार हॉल है और उसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, कोई भी वहाँ पे नुकसान नहीं पहुँचाया गया, क्राइम सीन को कोई नुकसान नहीं चाहिए पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट आता है। अफवाहें फैलाने की बात भी पुलिस करती है कि अफवाहें जो फैला रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी, गलत जानकारी बिल्कुल भी साझा ना करें। इसके अलावा कोलकाता पुलिस ने कहा कि मीडिया कैंपेन जो है, और मीडिया को भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोलकाता पुलिस को लेकर इस जाँच को लेकर जिस तरह से मीडिया कैंपेन चल रहे हैं, इसका बहुत सारे सोशल मीडिया पर अलग तरह से लोग पोस्ट कर रहे हैं, ये अच्छी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हैं। हम लोग बहुत कुछ किया है, हम लोगों ने इस केस को, मैं खुद जो कमिश्नर होते हैं वो कहते कि मैंने अपने अंडर इस केस को पूरा देखा है और हमने सब कुछ किया जो हम कर सकते थे, इसलिए गलत जानकारियां बिल्कुल ना फैलाएं, उससे भीड़ और आक्रोशित लोगों में आक्रोश पड़ता है। ये बातें कोलकाता पुलिस की तरफ से कहा गया। आपको हमने बताया था कि अब सवाल जो क्या उठ रहे हैं, अब सवाल कुछ उठ रहे हैं जो तमाम रिपोर्ट्स में उठाए जा रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स मीडिया उठा रही है कि इतना बड़ा प्रदर्शन होने वाला था, इसकी जानकारी पहले हो चुकी थी तो पुलिस के इंतजाम क्यों नहीं थे, ये पहली चीज़ें निकल कर आती। आरजी कॉलेज के आगे जो है, क्योंकि हजारों की संख्या में बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो है 5,000 कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में, 3,000 कुछ में, 2-1 इस तरीके से अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग भीड़ों की संख्या दी गई। तो जब 1,000-2,000 लोग जो जुट रहे थे तो फिर पुलिस
पल की वहां अतिरिक्त तैनाती क्यों नहीं थी, ये सारी चीजों को लेकर चर्चा चल रही थी। इसके अलावा पीड़ित डॉक्टर जो थी, अब डायरी की बात पे आते हैं जो मैंने पहले कहकर छोड़ा है, पीड़िता के जो फादर होते हैं वो एक मीडिया चैनल के इंटरव्यू में वो इस बात को बताते हैं कि जो मेरी बेटी थी काफ़ी पढ़ने में इंटेलिजेंट थी, तो वो डायरी भी हमेशा अपनी जो दिन की चीज़ें होती थी हर दिन की घटना को लिखती थी और आगे क्या अचीव करना चाहती है वो भी लिखती थी। तो उन्होंने बताया जो कि मेरी बेटी एमडी कोर्स, जिसको डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, उस कोर्स में गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहती थी। वो आने वाले अपने सारे एग्जाम में टॉप करना चाहती थी, ये उसकी इच्छा थी। खैर, उसकी ये इच्छा बनकर रह चुकी है, क्योंकि जो अप्रिय घटना हुई है वो काफ़ी दुखद है। हर किसी में आक्रोश है, महिलाओं की सेफ्टी को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। तो वो काफ़ी अच्छी थी स्टूडेंट, तेज भी थी, अच्छी व्यवहार में भी काफ़ी अच्छी थी, तो वो गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहती थी एमडी कोर्स में। इस घटना में जो आज़ादी की रात चढ़ने की होती है और जब घटना घटती है, जो भीड़ आती है, आक्रोशित और तोड़फोड़ मचाती है, इसमें लगभग 15 पुलिस वालों के घायल होने की बात होती है। मीडिया भी इसमें बचते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनको अपने कैमराज, अपने टेप, अपनी जो फुटेज होती है, आप जानते हैं कि मीडिया के लिए वो फुटेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको बचाने के लिए मीडिया भी पैक होती है। पुलिस ने लगभग, जो पुलिस की तरफ से दावे हैं कि 90% जो केस है सॉल्व कर दिया गया, पुलिस के तरफ से आरोपी पकड़ लिया गया है। अब 10% केस को सॉल्व कर रही है सीबीआई। एक महीने की सीसीटीवी फुटेज, यानी अब सीबीआई ने क्या कुछ किया है, जब उन्होंने अपने इस केस को हैंड ओवर किया, अपने हाथों में लिया, तो क्या कुछ किया। पहले तो उन सभी जो विटनेस थे या फिर जो आरोपी थे उनको पूछताछ के लिए कस्टडी में लिया। इसके अलावा सीसीटीवी की फुटेज एक महीने की, देखिए जब भी किसी आरोपी को पकड़ना होता है, किसी घटना को देखना होता है, तो वो उससे जुड़ती हुई कड़ियों को भी ध्यान दिया जाता है। उन कड़ियों में उसकी दिनचर्या आती है, उसके बीते हुए दिन में वो उसकी एक्टिविटी क्या थी, इस सब चीज़ों पर जाँच होती है। तो इसलिए सीबीआई ने एक फुटेज जो है, एक महीने की फुटेज जो है वो ले ली है। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्होंने लिया है, उसको एक तरीके से सीन को फिर क्रिएट किया जा रहा है, क्या कुछ हुआ था, कैसे हुआ था, पूछताछ चल रही है, डॉक्टरों से पूछताछ सीबीआई कर रही है, इसके अलावा जो सस्पेक्ट और भी हैं उनसे पूछताछ हो रही है। तो लगभग सीबीआई अब अपने कमांड में ले चुकी है। उम्मीद है कि इस केस में न्याय मिलेगा, क्योंकि यही मांग है। ये घटना दूसरी निर्भया 2.0 की बात हो रही है, एक बार फिर से हुआ है इस तरह की दरिंदगी भरा घटना। और इस पर जो सबसे बड़ा सवाल उठा है कि इस हत्या में, इस दरिंदगी में एक लोग शामिल नहीं थे, बल्कि मल्टीपल लोगों की, एक से ज़्यादा लोगों की शामिल होने की बात आ रही है। तो सीबीआई के ऊपर ये भी प्रेशर कि इसकी जांच जो प्रमुखता से की जाए कि वो लोग क्या थे। अभी डीएनए रिपोर्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है उसमें, अगर क्योंकि बात ये आई है कि लगभग 150 ग्राम जो है सीमेन पाया गया है, जिसको आप मानव वीर्य कह सकते हैं हिंदी में, वो पाया गया है। उसमें और भी कुछ हो सकते हैं, मटेरियल होगा, लेकिन सीमेन भी है, और इतना सीमेन एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है। ये जो फैक्ट्स हैं, साइंटिफिक एक्सपर्ट्स हैं उनका भी कहना है, डॉक्टर्स का भी कहना है। अब न्याय की मांग है और न्याय बिल्कुल मिलना चाहिए। हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि जितनी जल्द जिसको भगवान का दर्जा दिया जाता है उसके साथ इस तरह की घिनौनी हरकत होती है, तो बिल्कुल न्याय उनको मिलना चाहिए और एक कड़ी सजा जो सोसाइटी, इस देश में एक मिसाल बने उन आरोपियों को हो, ये हमारी तरफ से भी मांग है। और हम इस केस से जुड़े हुए हैं, इसके हर अपडेट से हम जुड़े हुए हैं। इसके अलावा फिर मिलेंगे, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, जुर्म की डायरी से एक और नई कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। इस कहानी का सुनाने का मकसद किसी को डराना नहीं, भयभीत करना नहीं, परेशान करना नहीं,
बल्कि सचेत करना है, जागरूक करना है। आप अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए धन्यवाद। जय।